करना ही होगा। पर्सनैलिटी मस्त, डांस जबरदस्त। मैं पिछले 9 सालों से रिवाड़ी में काम कर रही है। अरे इतना काम किया है मैंने कि कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर मैं रिवाड़ी इलेक्शन में खड़ी हो गई तो आराम से जीत जाएगी ना बाबा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सबसे प्यारा कौन है देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। क्या स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज आरपीएस स्कूल रेवाड़ी में, और मेरे साथ आरपीएस स्कूल संचालक मनीष यादव जी बने हुए हैं। आज यहां पे प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है, क्या पर्पज है, किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा और कैसे बच्चों को क्या आज म्यूजिक डे क्या क्या है इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले मनीष जी हमारे साथ बने हुए। मनीष जी, हरियाणा न्यूज 24 आपका बहुत बहुत स्वागत। लामा साहब, आपका भी आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। सब क्या प्रोग्राम है, किस तरीके का क्या? लामा साहब, आज एक्चुअली में इंटरनेशनल योगा डे है, फादर्स डे है और इंटरनेशनल म्यूजिक डे है, तो हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे स्कूल्स आरपीएस के जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये सारा का सारा वर्चुअल हो रहा है। कोई गुड़गांव से परफॉर्म कर रहा है बच्चा, कोई बहरोड से परफॉर्म कर रहा है, कोई महेंद्रगढ़ से परफॉर्म कर रहा है, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। जो नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है कोरोना को लेकर ना, हमारा एक प्रयास है कि सब लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आए और बच्चे जो हैं अच्छा फील करें। बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा वो फ्रेश भी हों और वो एंजॉय भी करें, तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई आज जो है ये प्रोग्राम बच्चों के लिए किया जाए। तो सर, आपका प्रोग्राम देखते हैं, बाद में आपसे फिर दोबारा से बातचीत करेंगे, तो तब के लिए हम दर्शकों को भी दिखाना। मोस्ट वेलकम लामा साहब, थैंक यू वेरी मच। और कुछ ही देर में यहाँ पे लाइव जूम ऐप के थ्रू जो मनीष जी ने बताया प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, और यहाँ जो बच्चे हैं रिवाड़ी स्कूल के वो तो परफॉर्मेंस खुद यहाँ लाइव करेंगे, लेकिन जूम ऐप के द्वारा भी देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का अलग अलग स्कूल क्या क्या परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे। बने रहिए हरियाणा न्यूज 24 पे मेरे साथ। तो हमारे साथ अभी दो स्वागतम गीत गाया है बच्चे ने, तो इनका नाम जानते हैं। सर, मेरा नाम मनस्वी है और मैंने ये गाना सिर्फ 2 दिन में तैयार किया। मेरी मम्मा मेरे को डांस सिखाती हैं, तो उन्होंने ही मेरे को करवाया। आपकी मम्मा सिखाती हैं? हाँ जी सर। आपकी मम्मा डांस भी करती हैं? हाँ जी। कौन है आपकी मम्मा? सर, हर नेम इज आभा तिवारी एंड शी इज अ टीचर इन आरपीएस दिस ब्रांच। तो आरपीएस स्कूल के बच्चों में इतना टैलेंट कैसे होता है, 2 दिन में कर लेते हैं? आपको ये इतना कठिन गाना था जैसे जो इस जिस तरीके से आप भरतनाट्यम वगैरह इसमें जो करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती हो आप? सर, ये एक्चुअली बचपन से मम्मा सिखा रही हैं तो मेरे को आदत है। बचपन से मम्मा सिखा रही है तो मुझे आदत है। हाँ जी सर। तो किस तरीके का डांस कर लेते हैं? सर, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, कथक आल्सो। तो यहाँ पवित्र मैम भी पढ़ाती है? हाँ जी सर, कभी कभी मैम आती हैं क्योंकि उनको सारी ब्रांचेस का हैंडल करना होता है ना। सारी ब्रांचों का हैंडल, डंडा लेके घूमती है यहाँ पे? सर, यहाँ पे आते तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। एंजॉय तो नहीं करते, बहुत हार्ड स्ट्रिक्ट है? सुना नहीं, बहुत अच्छी टीचर है मैम। पवित्र मैम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कह रही एंजॉय करते हैं आपके साथ बच्चे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए मुन्ना जी, मेरा तो ना एक ही एक बात मानना है कि बच्चों को पढ़ाओ ना तो वो बच्चे खुश होने चाहिए। जब बच्चे स्कूल में आए तो भी वो खुश हों, और जब स्कूल
से जाए ना तो भी वो खुश हो। तो मैं तो इसी मोटो के साथ बच्चों को पढ़ाती हूँ कि पढ़ाई उनको ना बर्डन ना लगे, लाइक उनको ये लगे कि पढ़ना है हमें ताकि एजुकेशन ले और उसके लिए आगे वो अपने क्षेत्र के लिए और फिर समाज के लिए बहुत अच्छे काम करे, अपने देश के लिए बहुत अच्छा करे। बाकी शक्ल से आप लगती तो नहीं खुखार लेडी, एकदम डेंजरस, एकदम मुद्रा ऐसी होती है आपकी जैसे अभी आप अगले को पता नहीं क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, तो आप बच्ची कह रही हैं आप बहुत सॉफ्ट हैं। देखिए क्या है कि बीइंग अ लेडी ना जो एक मदरली अफेक्शन मेरा बच्चों के साथ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, बीइंग अ चेयर पर्सन मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है टू मेंटेन द डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन के लिए वो सख्ती ज़रूरी भी है। तो हमारे साथ छोटी छोटी दो छात्राएं और बनी हुई हैं आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल की, योगा डे और म्यूजिक डे आज हुआ है। बेटा कौन सी कक्षा में? एट्थ। एट्थ कक्षा में। आप? नाइन्थ। और क्या नाम? हिमांशी यादव। हिमांशी यादव, आप तो बताइए। अनन्या चटर्जी। थोड़ा सा मास्क के नीचे करिए, हां ये ना। बेटा कौन सा गाना? पापा मेरे पापा। पापा मेरे पापा, फादर्स डे। तेरी मिट्टी। तेरी मिट्टी, तो बेटा क्या सोच के गाया, क्यों आज ये गाना किस लिए तैयार किया? दर्शक देख रहे हैं आप एट कक्षा में पढ़ती आर पी स्कूल। मेरा ये मानना है जो अभी शहीद हुए थे लद्दाख में जितने भी मार्टिर्स, उन सब के बच्चों को मैंने मतलब उनके बच्चे क्या सोचते, उनके पापा शहीद हो गए, मैंने वो सोच के मतलब उनकी साइड उनके उनके ऊपर डेडिकेट करके ये गाना गाया कि उनका क्या मानना है, वो अपने पापा के बारे में अभी क्या सोचते हैं। बहुत बड़ी सोच है। मम्मी क्या? नवनीता चटर्जी, अमिताभ चटर्जी। इस स्कूल में क्यों आई बेटा, क्या सोच के? सर एक्चुअली मुझे यहाँ पे पता चला, मैं पहले दूसरे स्कूल में थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, एक्टिविटीज़ भी साथ साथ बहुत अच्छी होती है, इसीलिए। अच्छा मम्मी पापा नहीं आए तो कुछ मिस कर रही हैं आज यहाँ पे होते तो अभी? सर एक्चुअली मामा पापा नहीं आए क्योंकि काम, सोशल डिस्टेंस। तो अभी संडे है तो आ सकते, थोड़ा सा मम्मी को तो बुला लेते हैं। सर थोड़ा फादर्स डे पापा को, सर हैप्पी फादर्स डे पापा, आई लव यू सो मच। मैं माफ से जानूंगा, आप क्या डिपार्टमेंट संभालते हैं? सर आई एम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या नाम है? प्रीति लांबा। प्रीति लांबा, तो प्रीति जी कितने दिन से संभाल रही हैं? सर आरपीएस में तो फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, बिफोर दैट मेरी एजुकेशन में जर्नी 31 ईयर्स हो चुकी है, और मेरे लिए देश पहले है पढ़ाई बाद में, ये थॉट है। और आज का जो हम प्रोग्राम डेडिकेट कर रहे हैं पूरा, फादर्स डे, योगा डे, नेशनल डे, लेकिन हम ये सब मार्टियर्स को, जो गलवान मार्टियर्स हैं, हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं ये प्रोग्राम। और मैं बेसिकली मैं कोसली से हूँ, मेरी जन्मभूमि कोसली है, मेरे दादाजी मेजर थे और मेरा ब्रदर मेजर जनरल रिटायर हुआ, मेरा कज़न और मेरा पूरा फैमिली, पूरा गांव ही कह दो कि एक देश प्रेमी गांव है, और शहीद भी सबसे ज़्यादा वहीं हैं कोसली गांव से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शहीद हैं। विकास यादव भी कोसली से थे शहीद, फर्स्ट कारगिल शहीद। तो मुझे मेरे में देशभक्ति पहले है, और बच्चों को भी मैं चाहती हूँ कि आज का बच्चा हम ऐसा बनाए कि पहले देश को प्यार करे, फिर अपने आप सब कुछ आ जाएगा। जो हम पढ़ाई करा रहे हैं, जो हम बच्चों को बना रहे हैं, वो अपने देश के लिए काम करें। तो बताइए जी क्या क्या नाम? मेरा नाम प्रोफेसर राजेश बंसल है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बावल में केमिस्ट्री में प्रोफेसर हूँ। ये मेरा बेटा है, यहाँ आरपीएस इंटरनेशनल में 9th क्लास में पढ़ता है। तो म्यूज़िक में मेरा भी बचपन से जो इंटरेस्ट रहा है, म्यूज़िक मेरा पैसन है, तो हम दोनों ने मिलके ही इस गाने को तैयार किया था। ही इज़ माई लविंग सन, तो मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। आज फादर्स डे पे हम दोनों ने मिलके ये गाना गाया, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी बड़ा होके जो है सबका, स्कूल का, हमारा नाम रोशन करे, आगे बढ़े। बेटा क्या? अनिरुद्ध। कौन सी एग्जाम? 9th। तो इस स्कूल को क्यों चुना, क्या अच्छा लगा? क्या बेटा, मतलब पढ़ाई अच्छी होती है, वैल्यूज देते हैं अच्छी अच्छी। तो क्या वो गाना एक बार दो बोल बा बेटे दोबारा बोल के सुना सकते हैं? अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you daddy। तू मासूम,
तू शैतान। बट यू लव मी डैडी। बहुत अच्छा गाते हैं जी, वास्तव में काबिले, इतनी सुंदर आवाज़ आपके बेटे की, आपकी तो शायद हम आशा करते हैं इच्छा अच्छा देखने को मिले और शायद रिवाड़ी में जगह जगह परफॉर्मेंस करे ये इसी है। बाकी और जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उन बच्चों के पेरेंट्स को समय कम दे पाते हैं, उन लोगों को आखिर में क्या कहें? देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी पेरेंट की असली दुनिया, असली दौलत उनके बच्चे होते हैं, तो हम उनके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारा टाइम है बच्चों के लिए। हम उनके लिए पैसा कमा देंगे लेकिन हमें अपना उनको अपना समय नहीं दे पाए तो वो पैसा उनके कुछ काम आने वाला नहीं है। आज हम अपना समय इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने को बच्चों को दे, कल ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अमाउंट में हमें रिटर्न होने वाली है, ये मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ। बाप बेटे ने डूट सुन गया, बहुत अच्छा गया। तो मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो गाना चल रहा था, अकेले हम अकेले तुम, ओ आई लव यू डैडी, मैं एक बार, आप सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, सबसे ज़्यादा इंजॉय आप कर रही थी, मैं देख रहा देखो बिकॉज आई कैन से दैट आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। मैं ऐसा फील करती हूँ पापा मेरे सामने ही हैं और मैं उनके लिए गा रही हूँ और वो मेरे साथ हैं। सो पापा को तो मैं मानती हूँ, भगवान की तरह पूजती हूँ। सो बस मुझे यही लगता है कि ये डेडिकेट करती हूँ अपने पापा को। नाम क्या बताया? साक्षी। साक्षी मैम काफ़ी धनाढ्य परिवार से है। ये सर काफ़ी पेट्रोल पंप भी है आपके। हरियाणा चाट फैक्ट्री सर। फिर आर पी एस स्कूल में क्या खाली टाइम पास नहीं होता था, क्या सोचा क्यों? सर एक्चुअली मेरी दो फैमिलीज हैं, एक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ और एक आर पी एस फैमिली, तो जितना टाइम मेरा उस फैमिली के लिए है उतना ही टाइम मेरा इस फैमिली के लिए है। जब भी मैं यहाँ नहीं आती तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे लगता है मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती। एक बात पक्की है। यस सर। पैसे के लिए यहाँ पे आप नौकरी नहीं कर रही हैं, क्योंकि जिसके पास पेट्रोल पंप फैक्ट्रियाँ हों वो बंदा यहाँ पे नौकरी करने के लिए नहीं आता होगा। सर एक्चुअली जो संस्कार हमें यहाँ पे मिलते हैं, मनीषी के सर की तरह हमारे पास पापा हैं, लामा मैम की तरह मदर हैं, पवित्रा मैम की तरह माँ हैं, बाऊजी हैं दादाजी की तरह, तो हमें लगता है कि पूरा परिवार है और एक परिवार का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, तो हम उन्हीं सब के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 खुशी हुई। तो यहाँ कुछ बच्चे और बने हुए, उनसे भी जानते हैं यहाँ पे हमारे साथ। इस बच्ची को लेते हैं पहले, बेटा क्या नाम? मेरा नाम नव्या है। और अच्छा, मैं काफी देर क्यों लगा दी बेटा? मेरा नाम नव्या है, इतनी देर क्यों लगा बेटा? क्या भूल गई थी नाम अपना? नहीं नहीं भूली। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए पापा ने डांस किया आज? हाँ जी। कैसा लगा डांस पापा? मुझे अच्छा लगा क्योंकि पापा को इतनी अच्छे से आता नहीं था और पापा ने मेरे लिए आज डांस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा इज द बेस्ट। अच्छा बेटा मुझे ये बताइए, पापा पहली बार डांस कर रहे हैं वो भी आपके लिए, तो कितनी बार पापा को घर पे मनाया आपने? पापा जी चलो ना प्लीज पापा जी। वैसे एक बार पापा ने मना किया था लेकिन फिर मम्मा ने बात करके कहा मैं मनाऊंगी, तो पापा ने अपने आप हाँ कर दिया। झूठ मत बोलो, मम्मा ने बेलन दिखाया, आंखें निकाली, तुम्हारी खाल खींच दूंगी अगर बच्ची के साथ डांस नहीं किया तो, ऐसा हुआ? पक्की बात है? बता। नहीं पापा ने हाँ कर दिया था बाद में अपने आप। डराया था? नहीं। बेलन से? नहीं। तो ऐसे ही अपने आप पापा ने हाँ कर दिया। आंखें निकाली हुई हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा बेटा डांस किया आपने, आपके पापा तो अच्छा तो नहीं नाच रहे थे, मुझे तो अच्छा लगा। नहीं कोई बात नहीं, अगली बार। मुझे तो अच्छा लगा। मुझे तो अच्छा लगा, आपके पापा ने अच्छा लगेगा बेटा, है ना? कौन से गाने पे डांस किया आपने? हमने भूल गई। भूल गई? अच्छा भुलक्कड़ बहुत है बेटा, आप क्या बात है। भुलक्कड़ काफी है ना। अच्छा मम्मी भी हैं आपके साथ? हाँ मम्मा हैं। तो फिर पापा को क्यों चुना, मम्मी को भी साथ लेने था? वैसे ही मैम ने कल मजाक में बोल दिया था कि पापा थोड़ा सा अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो मैम ने कल मम्मी को भी बुला लाना, कल अच्छे से कर लेंगे। यानी कि यहाँ भी डर दिखाने के लिए अब मम्मी दूर खड़ी रहेगी, ऐसी आंखें निकालती रहेगी। तो पापा अच्छा बार बार तेरे पापा उधर देख रहे थे मम्मी की तरफ, तो इसलिए देख रहे थे कभी स्टेप इधर उधर ना हो जाए, घर पे कभी बेलन फूंकनी पड़े।
नहीं ऐसा तो मैम ने क्यों बुलाया? कभी पापा आपने कहा मैम पापा अच्छा नहीं नाचते तो क्या बोला मम्मी को बुला लाना? नहीं वो हमने एक दिन पहले वीडियो बना के भेजी थी तो उसमें पापा अच्छा कर रहे थे तो मैम को लगा कि मम्मी को देख के करते हैं। मम्मी को देख के करते हैं। ये आरपी स्कूल के छात्र है, ये किसी के बस के नहीं है। ऐसे छात्र मैंने नहीं देखे किसी स्कूल में। वास्तव में बहुत मासूम, बहुत भोले और अच्छी शिक्षा होती है और हम वहीं पे जाते हैं जहाँ कुछ दम होता है। और इस बच्ची ने मन मोह लिया सबका। बेटा पापा ने पहली बार डांस किया, मामा ने आज तक किया नहीं, तो मामा घर पे तो करती हूँ। मम्मा घर पे करती हैं और मम्मी को भी आता है अच्छे से। अच्छे से आता है? तो फिर मम्मी को डांस यहाँ पे किया नहीं तो फिर पापा को लेके आना पड़ेगा, मम्मी के माँ को लेने आके आना पड़ेगा। फादर्स डे पे था ना आज, फिर मम्मी को भी ले लेते साथ क्या? मदर्स डे पे लेते हैं वो तो। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताइए, तेरी मम्मी और पापा से मिलना चाहूँगा, उसके बाद मैं फिर दोबारा करूँगा। मैम आप साथ? हाँ जी नमस्कार। मीनू। मीनू, अच्छा मीनू जी बच्ची बोल रही है, मैम ने बोला। मैम ने बोला मम्मी को साथ लिया ना, अच्छे से कर लेंगे पापा। असल में सर ऐसा था कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल डांस की एबीसी भी नहीं आती है, बट व्हेन टीचर्स, जब आरपीएस टीचर्स ने बोला कि आपको करना है तो इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, बिकॉज ये है कि बच्चे और फादर का प्यार आपस में और मोटिवेशन स्कूल की तरफ से जो मिलता है। तो मैम ने बोला क्यों बोला? ये बस समझ में लिया है। लेकिन मम्मी को साथ लिया ना, पापा अच्छी तरह कर लेंगे, है ना? तो कभी जादू का डर तो नहीं था आपके पापा को? आप डांस कर लेते हैं? अच्छा मिस कर लेते हैं सर। अच्छा बच्ची, बेटा भी आप? नहीं, आई हैव टू डॉटर्स, मेरी दो बेटियां हैं। हाँ जी। दूसरी बेटी बड़ी? हाँ जी दूसरी बड़ी है। हाँ जी सर। तो टैलेंट है बच्चे में क्या? स्कूल वालों को क्या कहेंगे इन्होंने इस बच्ची को देखा? पर मोटिवेशन आरपीएस फैमिली से ही मिला है, आरपीएस स्कूल से ही मिला है, उन्होंने ही इसी के इसके टैलेंट को सर्च किया है और आगे उसी जो एक मोटिवेशन होता है ना वो एक स्कूल से ही मिल सकता है, वो एक टीचर ही दे सकता है। मदर हम चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लें लेकिन वो मोटिवेशन हमारे थ्रू नहीं आ सकता, उन्होंने ही उसको इस मुकाम पर पहुँचाया है सर। मैम आपके हस्बैंड हैं क्या? मेरे हस्बैंड का सर संजय रावल जी। संजय रावल जी, रावल जी अब भी आपके सहारे खड़े हैं, साफ देख रहे हैं हम, और अब भी पैरों में कपकपी है, अब भी आपके सहारे खड़े हैं, ये क्या कहेंगे? सर ये तो एक बॉन्डिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, सहारा नहीं, ये तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कि यानी दोनों की ही जरूरत है, एक गाड़ी के बिना एक पहिए से ये गाड़ी नहीं चल सकती। क्या बात है जी, राहुल जी संजय जी क्या कहेंगे, ऐसी पत्नी अपनी बेटी रानी झांसी की तरह मिली है आपको, क्या कहेंगे? सर पत्नी भी बहुत अच्छी है और बेटी भी बहुत अच्छी है, सब मिल के ही चलता है। पहली बार किया है। क्या सोचा था लाइफ में पहली बार पत्नी बोल रही है? सर मैंने ये सोचा, स्टेज पे गए आप, मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा स्कूल को फादर और बेटी का डांस करवाना है, मेरी बेटी के लिए रह जाएगी और किसी को ले लेंगे, अकेले तो बेटी को करवाएंगे नहीं, तो मैं इसके लिए आ गया। ये बाप और पिता होता है जिसके दिल में दर्द होता है, दुख होता है बेटी के लिए, रह जाएगी बेटी, अकेली बेटी से डांस नहीं करवाएंगे, ये दौड़े चले आई और लाइफ में पहली बार डांस किया है। वास्तव में ये ऐसे पिता को, ऐसे पेरेंट्स को हम दिल से सलूट करते हैं। और बेटा अब क्या करती हैं वो, एक एक्टिंग करके दिखाती हैं वो टैलेंट, थोड़ा सा हम भी देखेंगे, हम कैमरे में भी दिखाएंगे, चैनल पे भी चलाएंगे, थोड़ा सा आपके रिवाड़ी के लोग भी देखें क्या। हेलो एवरीवन, मैं ऐश्वर्या, नाम तो सुना ही होगा, पर्सनैलिटी मस्त, डांस जबरदस्त, मैं पिछले 9 सालों से रिवाड़ी में काम कर रही है। अरे इतना काम किया है मैंने,
कि कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर मैं रेवाड़ी इलेक्शन में खड़ी हो गई तो आराम से जीत जाएगी ना पापा, पर मेरा सपना तो मिस वर्ल्ड बनने का है, इसलिए मैं ऐसा घर ढूंढ रही है जहाँ कम से कम 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने को मिले काय को, अरे बाबा ताकि मेरा फिगर मेंटेन रहे। काम तो मेरे को मिल ही जाएगा क्योंकि रिवार्डी में सब कुछ मिलता है, बस काम वाली बाह नहीं मिलती रे बाबा। अरे मेरी खुद की काम वाली बस 2 महीने घर पर टिकती है। चलो अब मैं चलती है इंटरव्यू के लिए, मेरे भी काम का टाइम हो रहा है ना। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत ज़बरदस्त किया है, बहुत ज़बरदस्त। पापा आपके लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, पहली बार डांस किया है, अब भी पैरों में कपकपी है उल्के बद देख रहा हूँ साहब। तो बेटा आपकी मम्मी से थोड़ा सा ये करवा के दिखा सकते हैं जो आपने किया है, थोड़ा सा? बिल्कुल मम्मी ट्राई कर लेंगी। अच्छा मम्मी ने घर पे कर, मम्मी ये वाला तो नहीं करती, मुझे आता है ये, लेकिन मैंने इतनी बार बोलती हूँ तो मम्मी को थोड़ा तो याद हो ही गया होगा। तो मम्मी को बोल कर दो मम्मा। अब यही टाले, ये मम्मी की जींस है, मम्मी की ही जींस है, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मैं ऐश्वर्या, नाम तो सुना ही होगा, पर्सनालिटी मस्त, डांस जबरदस्त, बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये कितना प्यारा स्टाफ है, तालियां बजा रहे हैं, कितनी अच्छी। जी मैम जी मैम जी मैम, हाँ जी, क्या कहेंगी मम्मी भी और बेटी भी और पिताजी भी, सारा फैमिली एक छोटी सी बच्ची के लिए इस कदर देखो यहाँ तक पहुँच के। लेकिन कई माँ बाप है पैसे के चक्कर में बच्चों को अपना समय दे नहीं पाते। सिर्फ बात पैसे की नहीं है, जो वक्त, जो पेरेंट्स का जो वक्त मिलता है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। यदि आज बच्चे को माँ बाप अपना इतना टाइम निकाल रहे हैं तो आई सैल्यूट द पेरेंट्स लाइक दीज, क्योंकि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। और जो भी पेरेंट्स है, ये नहीं, जो भी आज टाइम निकाल रहे हैं सही में, वो दे हैव टेकन लीड फ्रॉम लैक्स पीपल, अदर चिल्ड्रेन ऑफ रेवाड़ी। आप लोगों ने उनसे बहुत, आपका बच्चा कामयाब बनेगा ही बनेगा, लिख लो। आप भी साइलेंट खड़े हैं, नमस्कार। मेरा डॉक्टर रेनू मिश्रा। रेनू मिश्रा कहाँ पे करते हैं? मैं एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ की एलपी कॉलेज में। ये एलपी कॉलेज में आप? सर मैं बाबल में कंपनी में हूँ एज अ सीनियर मैनेजर, वहाँ काम करता हूँ। बेटा अभी किस किया पापा पे, क्यों अभी किस कर रहे थे पापा को, क्यों? क्योंकि फ्रेंड है। फ्रेंड है, ये फ्रेंड है पापा, पापा फ्रेंड है। बेटा डांस किया पापा ने? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा आपका क्या? माही। माही नाम बताओ। स्कूल का नेम निमेशिका मिश्रा। निमेशिका जी, क्या कहेंगे इतनी कीमती समय आप दोनों दंपति बच्ची के लिए आए, क्या? नहीं, बट ऑल क्रेडिट गोज टू आरपीएस मैनेजमेंट एंड देयर स्टाफ, स्पेशली थैंक्स टू साक्षी मैम एंड आभा मैम। उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने बताया ऐसे देना है, हम लोग लिटरली टाइम नहीं निकाल पाते आज के दौर में बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल में, बट आज टाइम निकाला तो अच्छा लगा। पहली बार डांस किया, पूरे स्कूल लाइफ में हमने कभी डांस नहीं किया। लाइफ में पहली बार डांस कर रहे हैं जी, ये बहुत अच्छी बात है जी, बच्ची के लिए आप यहाँ तक आए हैं और वो भी पहली बार डांस। तो जी आप बताइए जी, आपने कभी डांस नहीं किया बच्ची ने? आपने? मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो फिर इन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन फर्स्ट टाइम सिर्फ निमेशिका के लिए, इनको देख लिया पहली बार डांस किया निमेशिका के लिए, कि फादर्स डे है और निमेशिका के स्कूल से अगर बोला है इनके टीचर्स ने तो बिल्कुल रेडी थे करने के लिए। मैम ये आपने तैयारी? नहीं, साक्षी मैम ने। साक्षी मैम ने, तो मैम ने, हाँ, आपने कुछ तैयारी? नहीं, मैंने तो घर जाके इनका परफॉर्मेंस जो ये स्कूल से सीख के आए थे, फिर मैंने घर जाके देखा, मैंने कहा ठीक है बेस्ट है इन्होंने। बेस्ट आपने वहाँ सिलेक्शन कर लिया, तो आप साथ क्यों आई फिर? मैंने सोचा मैं भी लाइव देख लूं। बेटा मम्मी को साथ क्यों लेके आई, पापा का गाना था तो? मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? जी मैं भी चलती। तो आपने पूछा नहीं मम्मी आप साथ क्यों चलोगी, गाना तो पापा का है?
नहीं, साक्षी मैम ने बोला था। क्या बोला था? हाँ, मम्मी को साथ लिया था। हाँ। ये साक्षी मैम ने मैम से जरूर मिलना पड़ेगा, ये मम्मी को साथ क्यों बुलाती है जी? तो अब अभी आपकी नज़र में क्या रहा? आप बेटी अच्छा, अभी छोटी लिटल है, छोटी बच्ची, अच्छा ना डांस किया इन्होंने, लेकिन इनके पापा हैं, इन्होंने भी अच्छा किया, बेटी के लिए यहाँ तक आई, आपकी नज़र में कैसे रहा? बेस्ट। तो मदर डे पे हम क्या आशा करें आपसे बच्चे के साथ? बिल्कुल, जो बेस्ट होगा वो मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट दूंगी मदर्स डे पे। बेटा क्या आप भी धमाल मचाया आज आपने भी? हाँ। क्या नाम है? काना। कनक। कृष्णा। कृष्णा। काना। काना, अच्छा अच्छा। आप पिता? हाँ जी। माता है? हाँ जी, हाँ जी। माता जी नहीं दिखाई दे रही? साक्षी मैम ने नहीं कहा माता जी के लिए? बोला तो था, उनको घर पे कुछ काम था तो नहीं आ पाए। तो बाद में देखेंगे, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे? अरे बाप बेटे, वहाँ आप तो मस्ती कर रहे हो, डांस कर रहे हो, और मुझे घर के काम में फंसा रखा है, मैं नहीं चली जाती साथ। ये तो सर 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। क्या नाम? लेके आते तो भी सुनना पड़ता। ये देख लीजिए, अभी सुन रही है, देख लेना आप घर जाके, आप देख लेना। अच्छा मुझे ये बताइए, डांस अभी तैयारी पहली बार आप नहीं, आप भी आज तो करते रहते? नहीं सर, ये स्कूल के बच्चों ने कहा और मैडम ने भी बोला कि करना पड़ेगा, तो फिर बच्चों के लिए तो करना पड़ता है जी। पहली बार? हाँ पहली बार। बच्चों का मन रखने के लिए, बच्चों से प्यार है तो करना तो पड़ेगा। पेरेंट्स को क्या कहेंगे, अभी पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है, बच्चों के मन रखने के लिए जो माँ बाप कभी डांस नहीं किया लाइफ में, दूर से खड़े होकर देखा है, आज वो डांस कर रहे हैं बच्चों के मन रखने के लिए। तो क्या? मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इस स्कूल को क्यों चुना? क्या सर, ये स्कूल बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास से मेरे बेटे यहाँ पढ़ रहे हैं, 3 साल हो गए, और जब भी इनमें देखता हूँ तो कुछ नया नज़र आता है। ये सब स्कूल की तरफ से है, RPS स्कूल, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस लायक बनाया। बेटा तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। काना क्या कहेंगे? मम्मी साथ नहीं आई, गाना किसने सिखाया आपको, डांस किसने सिखाया? मैम ने। मम्मी ने नहीं सिखाया? अच्छा मम्मी डांस कर लेती? मम्मी भी नहीं पता, नहीं करती। अभी मदर डे पे फिर क्या करेंगे आप, किसको साथ लेंगे? पापा को ही ले आऊंगी। नहीं मदर डे पे आज पापा टारगेट कर लिए बाप रे, अब मदर डे पे मम्मी को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, पापा को मम्मी बना देंगे। साक्षी मैम क्या बात है, सबकी क्लास लगा रही है, अब पापा को साथ लेके आना है, पीछे झाड़ू लेके खड़ी रही है, क्या बात है सर? एक्चुअली क्या होता है ना, ऑडियंस भी तो चाहिए। ऑडियंस या डराने वाली पीछे? नहीं, एक्चुअली सर स्पोर्ट होता है ना, तो वो चाहिए था, तो इसलिए मैंने कहा बच्चे कम्फर्ट फील करेंगे, स्पोर्ट लगेगा, इसलिए मम्मा को साथ लेके आया ना। अच्छा ऑडियंस के लिए तो कोई भी बुला लेते, अब आ जाते आपके और भी पेरेंट्स, लेकिन जो डांस करने वाले बच्चे उनके मम्मी कोई पीछे क्यों बुलाया? हार्ड एंड स्टिक, मम्मी को साथ लेके आना सर, जब खुद का परिवार साथ है तो बाहर वालों को क्यों बुलाए? तो मैम वास्तव में आप दिल से हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपने बच्चों का अच्छा डांस सिखाया और अच्छी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छी भाषा बोलते हैं, आपका तय दिल से धन्यवाद। सर डांस आप मैम ने सिखाया है, मैंने सर उनको डिस्टर्ब किया फोन कर करके, एंड थैंक यू। साक्षी मैम का बार बार नाम लेते हैं, मुझे नहीं पता आपने क्या इनको घुट्टी पिला दी है क्या? हाँ बेटा, क्या क्या उनको भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, सारी टीचर को जानते हैं, लेकिन साक्षी मैम को कुछ ज्यादा ही बता दिया। अच्छा साक्षी मैम में क्या है बेटा ऐसा खास? मैम सर सारी टीचर में सब कुछ अच्छा है, और सारी टीचर मुझे बहुत केयरिंग और लविंग लगती हैं। अब तो आप ये कह रही हैं मारेंगे टीचर बाद में, डराएंगे है ना? लेकिन साक्षी मैम मेरी तरह मोटी है इसलिए थोड़ा सा अच्छी लगती है। ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ बने हुए थे। तो मनीष जी दो संचालक हैं RPS ग्रुप के, इनके पिताजी, इनकी फैमिली पूरी, तो ये बधाई के पात्र हैं। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। मनीष जी से जानेंगे, मनीष जी क्या कहेंगे प्रोग्राम को लेकर, इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम पहले कम देखे। सबसे पहले तो लांबा साहब, मैं सच्चे शब्दों में अपने शहीदों की शहादत को सलाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये सारा का सारा प्रोग्राम उन्हीं को अर्पित करता हूँ।
क्योंकि उनकी जो बहादुरी थी वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी, किस तरीके से उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और अपने देश को उन्होंने बचाया। उसके बाद आपने प्रोग्राम देखा, हमारा बस यही उद्देश्य है कि इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से लोगों को निकाल के ना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में लेके जाएं। आज बच्चों के अंदर बड़ा डिप्रेशन सा आ रहा है, हाँ, तो हम चाहते हैं कि बच्चे बोल्ड बने, बच्चे स्ट्रोंग बने। उसके लिए हमें उनका मनोबल बढ़ाना होगा टाइम टू टाइम, हम उनको स्ट्रोंग बनाएं और उनके अंदर ये चीज़ें डालें कि यार यू आर द बेस्ट, तभी जाके ना उनका मनोबल बढ़ेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जहाँ तक बात है कोरोना को लेके ना, हम तो आरोग्य सेतु ऐप को सब बच्चों का डाउनलोड करवा दिया, सब पेरेंट्स ने, इवन ड्राइवर्स ने, कंडक्टर्स ने, सब ने डाउनलोड किया। अब हमने एक मुहिम चला रखी है कि भाई काढ़ा दूध का काढ़ा बना के ना पीना दिन में एक या दो बार, उसके बाद दूध में हल्दी डाल के ना पीना और उसके बाद योगा करना, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे, बार बार हाथ साफ करेंगे तो हम इस कोरोना से जीत पाएंगे और दोबारा से हमारा देश दोबारा से उसी पटरी पर आ जाएगा और हम बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो इसीलिए को लेके ना ये प्रोग्राम था कि लोग बच्चों में पॉजिटिविटी आए, हमारा एम बस यही था आज के प्रोग्राम का। आपके स्कूल में रिवाड़ी पहली बार पहुँचे हम, एक बात मुझे अलग कुछ खास देखने को मिली यहाँ पे, यहाँ पे आपके टीचर्स बोरापति हैं, करोड़पति हैं, आपके प्रोफेसर हैं, उनके पति श्री राम सीमेंट्स के बहुत बड़े होलसेलर हैं, आपकी मैम हैं, इनकी पेट्रोल पंप्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो आपकी यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, तो उनसे मैंने जाना तो यहाँ पे बोले हम एक नौकरी करने नहीं आते, हम यहाँ 50-60 हज़ार की सैलरी के लिए नहीं आ रहे, हम हमारा ऑलरेडी बिजनेस है बहुत बड़ा, जहाँ पे हमारा करोड़ों रुपए का हमारा टर्नओवर कारोबार है, हम यहाँ आत्मसंतुष्टि और आरपीएस स्कूल हमें दिल को छू गया कि हमारा परिवार यहाँ नहीं आते तो हमारा दिल नहीं लगता, यहाँ पे आते नहीं आते एक दिन भी, तो यहाँ खाली पैसे के लिए नहीं आते हम, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर। सच्चाई अलम्बा साहब कि ये लोग दिल से जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े तभी हैं ये लोग जब इनको एक फैमिली का ऐसा माहौल मिलता है। हमारी आरपीएस की पूरी फैमिली है, हम सब लोग मिलके ना काम करते हैं, एकजुटता से काम करते हैं और हर सदस्य को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि आरपीएसियंस हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि इनके चेहरों पर खुशी है ना, वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, वो 100% पॉजिटिव है। आप किसी भी सदस्य से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, तो यही सबसे बड़ी सफलता का राज भी है कि हम लोग यहाँ पर मालिक और एम्प्लॉय में डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सब लोग मालिक हैं, पूरी टीम है, सबका अपना अपना काम है और सब लोग बड़े बड़े मन से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कहते हैं यहाँ आके हमें एनर्जी मिलती है, पैसे की अहमियत नहीं है हमारे सामने बिल्कुल भी, बहुत पैसा है लेकिन यहाँ आके कुछ अलग से एनर्जी मिलती है। आर पी एस जो ग्रुप के साथ जुड़े हैं ना, कुछ अच्छा सीखने को मिला है, हमें कुछ करने को मिला समाज के लिए, कुछ बच्चों के लिए। और यहाँ पेरेंट्स से मेरी बातचीत चली तो पेरेंट्स भी बोल रहे थे, हम जब आर पी एस स्कूल में आए थे पता नहीं क्या क्या सोचा था, परंतु जी ही आर पी एस स्कूल के अंदर जो मेरे बच्चे आए ऐसी फीलिंग महसूस करते हैं जैसे अपना घर है यहाँ पे। तो इस बात को लेकर क्या क्या जादू की जप्पी देते हैं, बोले इसी ये बात पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अक्सर स्कूलों में कोई ना कोई शिकायत होती है पेरेंट्स की या फिर टीचर की, तो मैं अलग अलग टीचर से पेरेंट्स से मिला हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जैसा स्कूल वास्तव में ही कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हम हर स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा चुके लेकिन कई बच्चे बोल रहे हैं हम थक हार के लास्ट में यहाँ पहुँचे, अब हमारा मन संतुष्ट है, दिमाग भी सीधा है हमारा और यहाँ इस स्कूल को लास्ट तक छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। लंबा साहब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लोग मन से खुश हैं और मन से क्यों खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना वो बड़ा पॉजिटिव है, सब लोग अपने काम को बड़े अच्छे से बड़े अच्छे से करते हैं, इनको फैमिली का सा फील आता है कि भाई मैं अपनी फैमिली में जा रहा हूँ, स्कूल ना होकर ना एक फैमिली का सा फील आता है। फिर वो बच्चे अपने खुद के बच्चे होते हैं, यूँ मान लो ये लोग यूँ नहीं सोचते भाई बच्चे बाहर से आ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं और हमने हमेशा बच्चों और पेरेंट्स को भगवान माना है कि सचमुच में ये भगवान का रूप है, उनके साथ हमें बहुत अच्छे से काम भी करना है। तो हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चों के साथ इतनी अच्छी अटैचमेंट है, पेरेंट्स के साथ इतनी अच्छी अटैचमेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, और यही सफलता का भी राज है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा दोबारा से। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत के लिए, आपका प्रोग्राम देखा सक्सेसफुल प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम। एक लंबा साहब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कि हम ये चाहते हैं कि इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से हम सबको निकलना है,
निकलने का जरिया कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले हम अपने आप को स्ट्रोंग बनाएं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि सदियों लग जाती हैं इम्प्रूवमेंट करवाने में, लेकिन कुछ एक लोग जुझारू लोग, ऊर्जावान लोग आते हैं और वो चंद दिनों में ही चेंज कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको जाता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और आत्मनिर्भर बनना है सचमुच में आने वाले समय में। आज हम सोचते हैं कि भाई गूगल का CEO है वो भी हिंदुस्तानी है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग हैं वो बड़े पदों के ऊपर हिंदुस्तानी हैं। आने वाले समय में हम ये सोचना चाहेंगे और ये करना भी चाहेंगे कि हम अब नौकरी लेने वाले ना मिले ना बने, नौकरी देने वाले बने। और उसके लिए हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, हमें बहुत अच्छे लेवल पे जाके ना काम भी करना है और सोचना भी है। अगर हम मन से स्ट्रोंग हैं तो काम से भी स्ट्रोंग होंगे। हाँ जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब आपका। तो हमारे साथ ये है मनीष जी, बने होते RPS स्कूल के संचालक रिवाड़ी से, इंटरनेशनल RPS स्कूल जो, और इनका साफ कहना है हम लगातार जहाँ जो हमारे साथ काम करने वाले हैं पूरा स्टाफ, यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आता, यहाँ दिल से और मन से सुकून से आते हैं और यहाँ पे सभी सदस्य मिलके अपने परिवार की तरह काम करते हैं एकजुट होके। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहाँ हर खबर मिले सच के साथ।